औद्योगिक नगरी पीथमपुर में नगर के कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर आज मंगलवार नारेबाजी करते हुए पीथमपुर सेक्टर 1 थाने पहुंचे, जहां पिछले दिनों नगर में हुई घटना को लेकर पीड़ितों को उचित मुआवजा, प्रकरण फास्ट ट्रैक में चलाने तथा अपराधियों को फांसी की सजा और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने एवं अपराधियों के मकान को चिन्हित कर तोड़ने की मांग तथा पीथमपुर में लगातार हो रहे अपराध जैसे अपहरण, लूट, हत्या, दुष्कर्म, चोरी आदि को लेकर धार पुलिस अधीक्षक के नाम थाना सेक्टर 1 पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पहले ज्ञापन का वाचन कर थाना प्रभारी राजेंद्र भदौरिया को सौंपा गया। भदौरिया ने आश्वस्त करते हुए बताया कि कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाएगा। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कि जो बच्ची के साथ में दुष्कृत्य हुआ उस आरोपी को केवल जेल पहुँचाने तक की आपका दंड का प्रावधान नहीं हो, उसका मकान नहीं टूटा है इस बात का मन में रोष है। साथ ही जो कि पीड़ित परिवार, बच्ची के माता पिता मजदूर हैं, गरीब हैं, इसलिए उनको विभागीय तौर पर 50 लाख रुपए का आर्थिक रूप से मुआवजा देना चाहिए, ऐसा हम सबकी प्रार्थना है। साथ ही हम सबका ये भी निवेदन है कि पिछले दिनों में जो अभी 26 तारीख को एक लाश मिली, एक बिटिया की, हमारे जाटव समाज की बिटिया थी वो, और उसकी लाश मिली, नेहा जाटव उस बच्ची का नाम था, उसको अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं दिल्ली जैसा हत्याकांड प्रतीत होता है। तो महोदय, मेरा ऐसा मानना है और हम सबका ऐसा मानना है कि यहाँ पर ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है जो यहाँ पर प्रवासी मजदूर यहाँ पर नौकरी करने आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, उनकी बेटियों का अपहरण करके या तो वेश्यावृत्ति कराते हैं या कहीं पर भेज देते हैं, और यदि उसमें असफल होते हैं तो इस तरह की हत्याएं होती है। साथ ही नेहा की सहेली जो अभी तक गायब है, गुमशुदा है, उसको लेकर अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा निष्क्रियता रही, अभी तक वो बच्ची मिली नहीं है, गुमशुदा है वर्तमान तक, और आपके प्रशासन के द्वारा, आपके द्वारा अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लेकर हमारे समाज में रोष है। तो हमारा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक तो आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, पर्दाफाश हो संदेह कत्ल का, जो बच्ची गुम हो गई है पिछले कई दिनों से गायब है, उसे कौन ले गया, कहाँ ले गया और वो जीवित है। कर रख देने वाली भयानक घटना हुई जिसने मानवता को छीड़ भिन्न कर दिया। ऐसी घटना किसी के साथ भी हो उसका रोम रोम कांप जाता है। ऐसी हमारी वाल्मीकि समाज की बेटिया जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष है और उस 4 वर्ष की बालिका को मुंह बोला मामा उसको चॉकलेट के बहाने लेकर गया और उसके साथ दुर्दान्त दुष्कृत्य किया। आज भी वह जिंदगी और मौत से धार जिले के जिला अस्पताल में वह संघर्षरत है, और ऐसी स्थिति में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो इनको उनके मकान तोड़ना चाहिए और पीड़ित परिवार जो है मजदूरी करता है, गरीब है, तो उनको जो आर्थिक मुआवजा 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि मिलना चाहिए, इस बात को लेकर हम यहाँ पर माननीय पुलिस प्रशासन से निवेदन करने आए थे। साथ ही इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए, यह हमारी मांग थी। इसके साथ ही हमने जो मांग करी है कि पिछले दिनों में कई बच्चियां यहाँ से गायब हुई है, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई गिरोह सक्रिय है जो प्रवासी मजदूर भाई है और बहनें हैं, उनकी बच्चों का अपहरण करके या तो वेश्यावृत्ति कराता है या उन्हें कई अन्यत्र जगह पर ले जाकर भेज देता और ऐसी स्थिति में असफल होने पर उनकी हत्या कर देता, जैसा कि हमारी बहन नेहा जाटव के साथ हुआ, जिसकी लाश पिछले दिनों 3 दिन पहले जो है सिपरा थाना के अंतर्गत मिली है। वह बेटी भी 22 मार्च से गायब थी, उसके साथ एक सहेली भी गायब है, तो ऐसी कई बच्चियां यहां से गायब है जो मजदूरों की बच्चियां हैं, तो उसके लिए जो गंभीरता शासन को लेना चाहिए, प्रशासन को लेना चाहिए, वो गंभीरता इनमें नहीं दिखी है। इस बात का आक्रोश और जो गुस्सा है वो पूरी समाज में, यहाँ पर सर्व समाज अनुसूचित जाति के साथ में खड़ा हुआ है। वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, रविदास समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हत्या नेहा की हुई है उसमें आरोपी अभी तक गिरफ्त से दूर है, तो ये कहीं ना कहीं लच्चर प्रणाली है, कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत है शासन प्रशासन की, इस बात को लेकर हम यहाँ पर आए थे। और पिछले कई दिनों से उसकी सहेली भी गायब है, तो ये इतना बड़ा गिरोह यहाँ पर सक्रिय है, तो यहाँ का खुफिया विभाग क्या कर रहा है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इस बात को लेकर मन में शंका है, मन में प्रश्न है। इस बात को लेकर यहाँ पर समस्त समाज हमारा यहाँ पर एकत्रित हुआ था और अपनी बात को, अपनी मांगों को यहाँ पर रखा। पहला, राष्ट्रीय कोर्ट में केस चले, दूसरा 50 लाख रुपए की का अनुदान मिले, मुआवजा राशि मिले, और तीसरा आरोपियों का मकान आज ही ध्वस्त होना चाहिए, ऐसी मांग हमने रखी। आपका नाम बता दो। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। धन्यवाद। कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज वाल्मीकि समाज और अन्य समाज के द्वारा 2 ज्ञापन दिए गए हैं पुलिस थाना सेक्टर 1 में। पिछले 2 दिन पहले एक दुष्कर्म की घटना बालिका बच्ची के साथ में हुई थी, उसके संबंध में
दिया है, और दूसरा एक लड़की का 363 अपहरण हुआ था और जो उसका शव सिपरा थाना के अंतर्गत में बरामद हुआ था, वहाँ हत्या का प्रकरण कायम किया गया। तो सारे बिंदुओं पे उनकी मांग थी और जो ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है उसको आगे भेजकर जो भी यथावश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। आपका नाम बताया? राजेंद्र सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी सागौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।